जो लोग कहते हैं कि भारत में 330 सालों का इस्लामिक शासन रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं इसमें से कौन इस्लाम को फॉलो करता था? जहांगीर, जो शराब और अफीम के नशे में लेटा रहता था, कि शाहजहां, एक नंबर का अय्याश, अपनी बेटी से शादी कर लिया, कि अकबर, जो मीना बाजार में लड़कियां ढूंढते रहता था, कि बाबर, जिसका एक हसीन बॉयफ्रेंड भी था, कि खिलजी, जो पद्मावती के प्यार में पागल हो गया था, प्यार तो अपने गुलाम से ही करता था, इसमें किसने इस्लाम को फॉलो किया? हमको इतिहास में पढ़ाया गया कि ये लोग महान थे। क्यों पढ़ाया गया भैया? क्योंकि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जो पढ़ाया गया हमको वही पता है।